पूछोला मैं इकराम से, माँ बाप मर जाए और मेरे बच्चों गुनाह करने का तसव्वुर ही खत्म कर दो, गुनाह करना ही छोड़ दो। उधर मंजी पर बिस्तरे पर गुनाह हो रहा होता है, उधर फरिश्ता तस्वीर खींच के तुम्हें तेरे माँ बाप को दिखा रहा होता है कि ऐ औलाद छट गया या छोड़ गया पीछे। एक एक करतूत माँ बाप के पास जाता है कब्र के अंदर, तुम पड़े हो मुर्दों से जिंदों के मुर्दों के हक में, वहां तो एक एक अमल जा रहा है। फिर जुमेरात और सव्वार के दिन हुजूर के रोजे में अमल जा रहा है। पूछते होंगे कहां कहां मेरी खत्मे नबूवत के नारे लगे और कहां कहां मेरे बराबर में कोई नबी ला के खड़ा कर दिया। आज क्या लेके आए हो? तेरे नवासे की शहादत पर अल्लाह अकबर हजारों लोगों के एहसाले सवाब लेके आए हैं। मेरे नवासे को उन्होंने सब कुछ दिया, झंडों के रंग बदल लिए, कपड़ों के रंग बदल लिए, मुझे भी कुछ दिया। अल्लाह अकबर, जब देने वाला खाता खाली देखता होगा तो कबली वाला पाकिस्तान की तरफ से मुंह मोड़ कर मेरे अजीजों बैठ जाता होगा। नारे तकबीर, खत्मे नबूवत, शाने मोहम्मद मुस्तफा, मकामे मोहम्मद मुस्तफा, शाने अहले बैत, शाने सहाबा, मौलाना पीर अब्दुल हनान सिद्दीकी साहब। मैं कराची के अंदर प्रोग्राम करने के लिए गया, एक मौलाना की वालदा फौत हो गई, उनकी मस्जिद में बैठा था। कहने लगे मौलाना आज प्रोग्राम भी करो, मौलाना सैफुर्रहमान की वालदा से की ताजियत कर लो। फिर जो मेजबान खड़ा हुआ और कहने लगा आज मौलाना यहाँ तशरीफ लाए, तीन चार जगह बिनोरिया में, फारूकिया में, डॉक्टर आदिल खान पता नहीं कहाँ कहाँ लेके गए, हर जगह बयान हुआ 14 अगस्त को, उसके बाद भी दो मरतबा हो जाया। कहने लगे मौलाना ताजियत करो। मैंने कहा जी किस चीज की करूं? कहे इनकी अम्मा फौत हो गई। इलाके वालों से करो, मदरसे वालों से करो। मैंने कहा अच्छा कर लूं। मैंने कहा ये मेरी समझ में आया कि मौली साहब से ताजियत करो, अम्मा फौत हो गई, नमाजियों से क्या ताजियत करूं, मदरसे के तालिब इल्मों से, अहलिया ने कराची से। मैंने कहा आओ मेरे अजीजों, मेरे प्यारो, हासिलपुर वालों आप भी सुनो, आओ ताजियत करें। राव साहब की वालिद 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 वालदा सास ससुर दुनिया से रुखसत हो गए, आजो ताजियत करें। लेकिन आप मैं ताजियत क्या करें, आओ आओ हमारी जिंदगियों से इंसानियत मर गई, आओ ताजियत कर ले। हमारे घर से गैरत के जनाजे उठ गए, आ जाओ ताजियत कर ले। हमारे घर का अदब की औलाद हमारे सामने बेगैरत बन गई, आ जाओ ताजियत करें। मेरे का क्या हुआ का चार मरले के मकान के ऊपर भाई ने भाई को अदालत के कमरे में गोलियां मार दी। मेरे का ओ लोगो आपस का प्यार मर गया, ताजियत बैठ के कर ले। नाराज ना होना, कलमा पढ़ने वाला रातों रात अमीर बनना चाहता है, कोई हलाल रोजी कमाना चाहता ही नहीं। ओ लोगो, लोगों ने हलाल खाना छोड़ दिया, आओ ताजियत कर ले। बहुए माँ बाप के घर में जाके बैठ गई, कह रही है माँ बाप को छोड़ या मैं छोड़, कहाँ जाए नौजवान। क्या बनेगा उन लोगों का जिन्होंने दीवारों के ऊपर लिख के लगा दिया एक ही रात में मकसद पूरा हो जाए। क्या मकसद है? बहू सास के लिए तवीज लेने जा रही है, बहू ससुर के लिए तवीज लेने जा रही है, मर जाए जान छूट जाए, पागल हो जाए पागल हो जाए। एक घर तवीज दब करने के लिए गए, कहने मौलाना किसने ऐसे तवीज कर दिए, बड़ा मालिक है पैसे का, मफलूज हो गया, पता नहीं अल्लाह करने वाला है। लेकिन तवीज भी दुआई के तौर के ऊपर चलता है, हर तरफ नफरत की आग है, जा बैठ के देख लो।